हमने हमारी ब्रेकफास्ट तो खत्म कर ली और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं आज के डेस्टिनेशन चेरापुंजी तक। तो पुलिस बाजार से निकलकर हम लोग फिर कल जिस रास्ते से गए थे डाव की, उसी रास्ते से हम लोग दोबारा जाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट से हम लोग जाएंगे चेरापुंजी के रास्ते से। आज डे टू है हमारे शिलोंग ट्रिप का, और यहाँ आने के बाद पहले पहले हमें बहुत मतलब सर्दी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे हमारी बॉडी को यहाँ का वेदर सूट कर गया है, क्योंकि चेरापुंजी का वेदर वैसे भी ज़्यादा कूल रहता है। वहाँ पे मौसम हमेशा नम रहती है, तो उस वजह से सर्दी रहने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे है ही, पर देखते हैं। लग तो रहा है यहाँ के मौसम में हम लोग अपने आप को ढाल चुके हैं, तो वहाँ जाकर खुल के एंजॉय करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी बने रहिएगा हमारे साथ। गाइज, हम लोग अभी जा रहे हैं चेरापुंजी की ओर, और यहाँ पे रोड साइड पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके हैं, और यहाँ पे कुछ बढ़िया नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं, और इसी नज़ारों का थोड़ा थोड़ा लुत्फ उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग चेरापुंजी जाते वक्त इन नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए जा रहे हैं, तो ये रही एक झलकी आप सबके लिए भी, तो आप लोग भी इनका मज़ा उठाइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया ये नज़ारा। वहाँ नीचे एक व्यू पॉइंट भी है, सीढ़ियों से वहाँ उतर के हम लोग जा सकते हैं, और हमें यहाँ पे पानियों की आवाज़ भी थोड़ी बहुत मिल रही है। शायद नीचे छोटी सी नदी ऐसा ही कुछ होगा। तो कमलेश भाई, बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? ये नज़ारा को देख के जितना बोलूं उतना ही कम होगा। मैंने क्या बोलूं, आप खुद ही देख लीजिए क्या नज़ारा है। बहुत ही लाजवाब है कि नहीं? एकदम मस्त। यहाँ ऊपर नीला आसमान, वहाँ दूर नीली पहाड़ी, बिल्कुल भगवान की सृष्टि, बहुत ही सुंदर है। तो ये रही वो जगह जहाँ से हम लोग नीचे उस व्यू पॉइंट तक जा सकेंगे, और यहाँ पे टिकट कट के हमें नीचे तक जाना पड़ेगा। सो बहुत ही सुंदर है ये जगह, और यहाँ पे एक छोटा सा मैप आप देख सकते हैं, एक गाइड मैप है, गाइड मैप टू सम टूरिस्ट स्पॉट्स इन एंड अराउंड सोहरा, यहाँ से लेकर के चेरापुंजी तक के जो जगह है उन रास्तों में जो जो जगह हमें देखने लायक है, जो जो स्पॉट्स हैं, व्यूइंग स्पॉट्स हैं, उस जगह का एक बहुत ही सुंदर मैप यहाँ पे मौजूद है। तो इस मैप के सहारे आगे बढ़ सकते हैं, और ये रहा वो खूबसूरत सा ब्रिज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैफ़े वगैरह, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। सो ये देखिए बहुत ही मज़ा आ रहा है कि हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इस जगह का लुत्फ उठाने आए हुए हैं।
सो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं वाकाबा फॉल्स के इस व्यू पॉइंट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया यहाँ पे नज़ारा है। दूर दूर तक यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हमें देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा कैंपस यहाँ पे वाकाबा फॉल्स का। सो आइए हमारे साथ। और यहाँ पे और सभी टूरिस्ट के लिए इतना बढ़िया इंतज़ाम किया गया है, और यहाँ पे बहुत ही पास से जा कर के आप देख सकते हैं माउंटेंस, और वहाँ दूर पे आप एक छोटे स्ट्रीम देख सकते हैं जो कि वाटरफॉल्स के पानी से बना हुआ है। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ से आप इस नज़ारों का बढ़िया से लुत्फ़ उठा सकते हैं। वहाँ आगे नीचे सीढ़ियों से होके हुए हम लोग नीचे एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ से वाकाबा फॉल्स बहुत ही पास से दिखता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। सो गाइस नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है द मोस्ट पॉपुलर मौसमाई केव्स। और केव्स क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, तो हमारी लाइफ का पहला केव का एक्सपीरियंस हम लोग आज इस मौसमाई केव से लेने वाले हैं। सो गाइस फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मौसमाई केव के कैंपस पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। वहाँ दूर रेस्टोरेंट्स भी है बहुत सारे, और बहुत ही साफ सुथरी कैंपस यहाँ पे, तो ये देख के बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। तो फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मौसमाई केव पर, और यहाँ पे हम लोगों ने टिकट्स किए हुए हैं, टिकट्स 30 रुपीस, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया साफ सुथरी जगह। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, और ये रहा, और यहाँ पे वेलकम टू मौसमाई केव। यहाँ से हम लोग केव की तरफ जाते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बहुत ही शांत वातावरण यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे हमारे कमलेश भाई फोटोशूट के लिए पोज देते हुए, और कैमरामैन हमारे द आउटबाउंड ट्रैवलर, बहुत ही बढ़िया। चलिए चलते हैं आगे। और ये रहा हमारा मौसमाई केव, आप देख सकते हैं लाइटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं केव के अंदर, द मोस्ट पॉपुलर मौसमाई केव। चलिए चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं अंदर का लुक कैसा आता है। चलिए चलते हैं। केव के अंदर जाना मतलब बहुत ही एडवेंचरस होता है। कई बार कई वीडियोस में हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक नोमैडिक इंडियन एंड अदर्स, सभी उन्हें केव के अंदर जाने का एक्साइटमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे हम लोग आज फर्स्ट टाइम किसी केव के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कमलेश भाई अपने कैमरे में से फोटो खींचने की कोशिश करते हुए,
बहुत ही संभाल के जाना पड़ेगा। This way. हमारे कमलेश भाई डर चुके हैं। इधर हमारे आउटबाउंड ट्रैवलर प्रदीप्त भाई आते हुए काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो अंदर पहुंच ही गए। खड़े भी नहीं हो सकते यहाँ पे, क्या ही बता, ऑकवर्ड पोजीशन। यहाँ लिखा हुआ है दिस वे टुवर्ड्स एग्जिट। आइए देखते हैं, बहुत ही छोटा सा रोड है, स्लिपरी पाथ है यहाँ पे। अंदर काफी काफी झुक झुक के आना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं केव के अंदर पानी टपक रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी जमा हो रखा है। तो और यहाँ पे आप देखिए केव के अंदर यहाँ से पानी के ड्रॉपलेट्स गिरते हुए नीचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आउटबाउंड ट्रैवलर कैसा लग रहा है भाई? एडवेंचर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो तो है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ आगे लोग भी अभी धीरे धीरे संभाल के जाते हुए। ये पहला एक्सपीरियंस है ये मेरा केव का पहला एक्सपीरियंस है। किसी केव में पहली बार आया हुआ हूँ तो बहुत ही अच्छा तो लग रहा है। बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस यहाँ पे हमें मिलता हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक एग्जिट जहाँ से हम लोग निकले थे प्लेस। एंड लोग यहाँ पे आकर अभी फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। लोगों में बहुत ही एक्साइटमेंट है। लोग यहाँ पे आकर अपना टाइम बहुत ही अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ लोग आए हुए हैं। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि लोग बड़े दूर दूर से इस जगह पर आए हुए हैं और हमारी ही तरह इस जगह का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी पार्किंग लॉट पे हमारे कार की तरफ, क्योंकि है यहाँ पे एक केव हमने पार किया है। यहाँ पे एक और साइन बोर्ड है जिसमें लिखा है सेकंड मौसमाई केव। एक और केव है जो कि वहाँ ऊपर तक जाता है। लोग वहाँ पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी बार फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। तो हम लोग और आगे नहीं जाएंगे और हम लोग जाएंगे सीधा अपनी कार की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग अपना सफ़र तय करते हुए फ़िलहाल आ चुके हैं पुलिस बाज़ार में। और यहाँ पे शाम का वक्त है और आप देख सकते हैं चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। शाम बहुत रंगीन है, चारों तरफ
अलग अलग फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ इस तरफ हम लोग जहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे चाउमीन, मोमोज, एग रोल्स, इन सब के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे लोग इस टाइम पे आकर यहाँ पे स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना बहुत पसंद करते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, शाम का वक्त है, इतना टूर करने के बाद हम लोग भी थोड़े बहुत भूखे ज़रूर हैं। हमें भूख तो लगती ही है इतना टूर करने के बाद, तो हम लोग भी देख रहे हैं अभी शाम के वक्त को हम लोग क्या कौन सी चीज़ हम लोग यहाँ खाकर एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे लोकल राइस के साथ भी बहुत सारे डिशेस मौजूद हैं, तो हम उन्हें थोड़ा टेस्ट करना ज़रूर चाहेंगे। कैसा है सर? तो अभी थोड़े बहुत पेट पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ा निकले हैं शिलोंग मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही भीड़ जमी हुई है इस मार्केट एरिया में, बहुत सारे स्टॉल्स, बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स, बैग्स, जूते, कपड़े, विंटर क्लोथिंग्स, इन सारी चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। शिलोंग का बहुत ही फेमस जगह है ये, जिसे कहते हैं पुलिस बाज़ार। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे चारे, बहुत से प्लांट्स लोग गार्डनिंग के लिए लेके जाते हैं, उन सब ये चारे यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ आगे भी और भी मौजूद हैं, लोग इन्हें लेना पसंद करते हैं गार्डनिंग, घर को सजाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ दिल्ली मिष्ठान भंडार, कहते हैं बहुत ही पॉपुलर स्वीट शॉप है, तो हम लोग भी अभी वहीं अंदर जाते हुए बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। तो फाइनली हम लोगों ने जो ऑर्डर दिया था, ये क्या है भाई, ये मिठाई का नाम रसमाधुरी, ये रसमाधुरी है, ये तीनों रसमाधुरी है, तीन रसमाधुरी, ये है चीज़ पनीर पेटी, चीज़ पनीर ब्रेड, एंड ये तो सब, और एक है सबसे फेमस गुलाब जामुन। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। हमारे कमलेश भाई, उनको मुझे पता चल रहा है उनको मीठा थोड़ा पसंद है खाने में। कैसा है भाई मिठाई? बहुत अच्छा। मिठाई परफेक्ट ना। चलिए रसमाधुरी की ओपनिंग हम लोग कर लेते हैं। आप बताओ रसमाधुरी कैसा है? नाम ही पहली बार सुना है। बहुत बढ़िया। क्या डिफरेंस है इसमें और रसमलाई में, क्या डिफरेंस है? रसमलाई बड़ा होता है, ये छोटा है, ज़्यादा वक्त लेके हम लोग इसको एंजॉय करके खा सकते हैं।